ये देखो यहाँ पे मैं वो लिंक अगर ओपन करूं, ये देखें आप कोई भी इमेज अगर लगाते हो ना, उसकी आपने अगर इस तरह की शेप बनानी है कोई भी, तो आप सीएसएस में वो कैसे बना सकते हो। ये देखें अगर आप लेफ्ट, इसका जो भी नेम है यहाँ पे डीप डीप से नेम दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से आप पकड़ के अपनी मर्जी से जो है शेप बना सकते हो इमेज की। अब ये हमने इंप्लीमेंट कहाँ पे करना है, ये देखो सबसे पहले चीज मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, ठीक है मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये पेज नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसएस लेक्चर नंबर 8 और इंडेक्स वाली है। ये देखें सिंपल यहाँ पे देखें जो कोडिंग की हुई है वो हमने इसी तरह की हुई है कि यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है इंस्टीट्यूट की, ठीक है यहाँ पे हमने इमेज लगाई हुई है, इमेज हमारे पास यही पड़ी है b2.jpg। बाकी ये पैराग्राफ मैंने इतना लॉन्ग लिखा हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ मैंने क्यों लॉन्ग लिखा था, ठीक है। अब देखें इस इमेज को अगर मैंने शेप देनी है कोई भी, तो मैं उसको कैसे दूंगी, हमारे पास एक, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर कर रही हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे इमेज को कॉल कर रही हूँ img टैग के साथ। इमेज को कॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप कह लो कि अभी कौन सी शेप ले हम, ये वाली शेप चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाली शेप मैंने ले ली, तो यहाँ पे नीचे देखो आपके पास ये कोडिंग आ रही है क्लिप पाथ पॉलीगॉन वाली, ठीक है ये सारे को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है इसको मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको सेव करूंगी और सेव करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी, ये देखें उस शेप में आपकी इमेज जो है वो एडजस्ट हुई है, समझ आई। आप अपनी इमेज किसी भी हिसाब से जो है ले सकते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कोई और इमेज लगाना चाह रहे हो आप वो भी लगा सकते हो, आप ये वाली इमेज लगाना चाह रहे हो क्लिक टू ऐड पॉइंट, ये देखें 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला करना है, इसको मैं कॉपी करूं अगर यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके सिंपल यहाँ पे जाके मैं अगर इसको पेस्ट कर दूं यहाँ पे देखें, ये देखें इसको मैंने सेव किया, आई थिंक मुझे लगता है दोबारा वही हो गई, हाँ सही से कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, ये वाली शेप ली मैंने और यहाँ से जाके इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल क्या हो रहा है ये, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसको सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए उससे शेप की आपकी इमेज आ गई। मतलब आप कोई भी शेप बनाना चाहते हो जस्ट यहाँ से कॉड जो है कॉपी करें, इमेज को टैग करके वहां पे लगा दें, आपकी इमेज जो है उस शेप में आ जाएगी, इसको हम कहते हैं क्लिप। यहाँ पे देखिए क्लिप पाथ। अब क्लिप पाथ के साथ साथ आपकी एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, आप देखो अगर मैं इमेज को यहाँ पे फ्लॉट जो है लेफ्ट कर दूं, आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब देखो टेक्स्ट इस तरह राइट साइड पे आ रहा है आपके पास, हम चाह रहे हैं कि ये इमेज की बॉर्डर के साथ साथ आए, तो वो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होती है जिसको हम कहते हैं शेप आउटसाइड। अब शेप आउटसाइड पे जो हमने क्लिप पाथ पे शेप दी हुई है ना, उसी को कॉपी करके नीचे हमने पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखिए साथ साथ आपका जो है टेक्स्ट आ रहा है, समझ आई बात की। यहाँ तक कि हम लोग क्लिप पाथ को और क्लिप ऑब्जेक्ट को शेप आउटसाइड के साथ कैसे हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह अक्सर आपकी जो होती है टेक्स्ट जो लिखा होता है कि आपकी इमेज के साथ साथ वो लिखा हुआ आ रहा होता है, वो कैसे आता है, वो आपकी एक लेकिन ये आपने ध्यान करना है कि शेप आउटसाइड हमेशा आपकी क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी के साथ इंप्लीमेंट करेगा, ठीक हो गया। एक तो हमारे पास आज ये लेक्चर था हमारा, दूसरा आपके पास जो लेक्चर है वो आपका ट्रांजिशन का आ रहा है। ट्रांजिशन में देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके देखो मैंने ये ट्रांजिशन की फाइल बनाई है, मैंने इसकी कोडिंग, ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ट्रांजिशन तो सिंपल एक आप जब शॉर्ट हैंड इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज करते हो तो आप ट्रांजिशन यूज करते हो, बट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपके पास क्या चीज होती है कि आपने किस किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रांजिशन लगाना है। अब पहले सबसे बात क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रांजिशन होता क्या है, ट्रांजिशन आपके पास होती है स्मूथनेस, ठीक है। कोई चीज आपने मूव करवानी है तो उसकी स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें हमने
यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, बॉक्स को हॉवर लगाया हुआ है, जब इसके ऊपर मेरा माउस जाए इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए, पहले 150 थी फिर 300 हो जाए हॉवर इफेक्ट। कल मैंने आपको टेबल को यूज करते हुए बताया था, जब हम लोग उसकी टी आर के ऊपर हॉवर कर रहे थे उनका कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। अब देखे जब मैं हॉवर कर रही हूँ अचानक ही ये जो है एकदम ही कह लें आपके इसका जो है वो अपनी इंक्रीज कर रहा है, इसका अच्छा नहीं लग रहा हमें। इसमें स्मूथनेस लेके आने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। अब ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी आप कैसे लगाते हो, सबसे पहले आपके पास जो चीज आ जाती है आपके पास आ जाती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, मतलब आप किस किस पे लगाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जाके देखिए हम जस्ट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी फिलहाल मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास विड्थ है, ठीक है। मैं यहाँ पे विड्थ पे लगा देती हूँ, जस्ट विड्थ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करूं, अगर मैं यहाँ पे देखिए अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि आपको सारी प्रॉपर्टीज को जो है देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन यहाँ पे मैं 2 सेकंड कर रही हूँ, 2 सेकंड के ट्रांजिशन हमें चाहिए। ये देखे अभी नोट करें, लेंथ एकदम भी आपकी इंक्रीज हो रही है, विड्थ पे ट्रांजिशन लगी हुई है, नोट किए ये बात, क्योंकि हमने जस्ट अभी विड्थ के ऊपर ट्रांजिशन लगाई है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके मैं विड्थ के ऊपर भी ट्रांजिशन लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं हाइट के ऊपर भी लगा रही हूँ, और यहाँ पे जाके मैं बैकग्राउंड पे भी लगा रही हूँ। अब अक्सर लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे कलर लिख देते हैं, हालांकि कलर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कलर हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कलर देते हैं, तो प्रॉपर्टी आपके पास क्या हुई, आपके पास बैकग्राउंड हुई, इसलिए आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा बैकग्राउंड लिखोगे। अब 2 सेकंड विड्थ के लिए, 2 सेकंड हाइट के लिए, 2 सेकंड आपकी बैकग्राउंड के लिए, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें अब स्मूथनेस आ रही है आपकी, देखे कलर भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे पिंक टू ऑरेंज हो रहा है, समझ आई। ये जो होती है ये आपकी होती है ट्रांजिशन जो होती है आपके पास, कि आपने स्मूथनेस कितना लेके आना है इसके अंदर। अब आप एक चीज नोट करो कि अगर आपने सबके ऊपर ट्रांजिशन लगानी हो तो आप कैसे लगाते हो, ये जो देखें यहाँ पे आके मैं ट्रांजिशन की जस्ट एक शॉर्ट हैंड यूज करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखें विड्थ हाइट बैकग्राउंड लिखने की बजाय मैं ऑल लिख सकती हूँ, हर जितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज इस बॉक्स के अंदर लगी हुई है, हमारे पास विड्थ हाइट बैकग्राउंड भी लगी हुई है ना, ऑल के ऊपर मैं ट्रांजिशन लगाना चाह रही हूँ, और कितने की 2 सेकंड की लगाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, इसको भी कमेंट आउट कर दूँ, सेव किया रिफ्रेश किया, अभी भी वो वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास ये ट्रांजिशंस हो गए, ट्रांजिशन के बाद आपके पास आ जाते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखें इसको अब मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, इनको दोबारा से अनकमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मैं एक और चीज लिख रही हूँ, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस। टाइमिंग फंक्शंस आपके पास कौन से आ जाते हैं, ये देखें, ये होता है ईज। ईज क्या होता है कि स्लोली आपका स्टार्ट हो रहा होता है और देन फास्ट होता है और फिर देन स्लो हो जाता है एंड पे जाके, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूं ईज, ईज लिखने के बाद यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँ, अगर देखें स्टार्ट स्लो होता है, यहाँ पे हम लोग ड्यूरेशन जो है ना यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, ताकि आपको पता चल सके। ये देखे स्लो स्टार्ट हुआ, अंदर तेज हुआ, फिर स्लो, फिर थोड़ी सी स्पीड ली, फिर एंड, ये होता है ईज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्टेप लिख दू, स्टेप यहाँ पे मैं कह देती हूँ 6 स्टेप्स के अंदर मेरी ट्रांजिशन हो, ये देखे स्टेप्स के अंदर ट्रांजिशन होना स्टार्ट होगी, 6 स्टेप्स के अंदर होगी। ये होता है कि आप अपनी अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर ये एनिमेशन लगी होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टी, कितनी स्मूथनेस है एनिमेशन आगे आगे अभी आनी है आपकी, ठीक है। ये डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लीनियर करूँ, लीनियर जो है वो सेम स्पीड की होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की, ठीक है। ईजिंग क्या होता है, स्लो होता है स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं ईज इन और ईज आउट भी आपको लगा के दिखाती हूँ। ईज इन मतलब स्लो स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके देखें, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें
ठीक है। अब यहाँ पे ईज आउट लगाए, जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे एंड पे स्लो स्लो होगा। वो देखिए स्लो होता जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं जो आप लगाते हो, ज्यादातर जो आपकी स्टेप पर यूज हो जाती है। ये क्यूबिक बेजल जो होती है, ये आपकी अपनी वैल्यूज होती हैं, आप इसको क्या लगाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं लगाऊं यहाँ पे क्यूबिक बेजल में क्या है, यहाँ पे आप 0.1 फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वैल्यू देती हूँ, आप अपने से वैल्यू दे देते हो, हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी होती है वो 1 होती है, इसमें ये ध्यान करना है, ठीक है। फिर इसमें 0.7 मैंने दी, यहाँ पे देखें 1.0 जो हाईएस्ट वैल्यू मैंने आपको बोला वो दे दी, फिर मैंने 0.1 दे दी। आप अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हो, और आपने नोट किया यहाँ पे 4 वैल्यूज आ सकती हैं, और हाईएस्ट वैल्यू इसके अंदर आप 1 दोगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखें कहीं पे तेज था कहीं पे स्लो है, ये देखें अपनी मर्जी से वैल्यूज है, समझ आए। ये होता है आपके क्यूबिक बेजल की। ये दो आप लोगों की चीजें थी न्यू जो आपने आज करनी थी। आपके पास एक क्या था, क्लिप पाथ शेप आउटसाइड, और आपके पास ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टीज थी वो वाली हमने कैसे यूज करनी थी। अब इन सब का शॉर्ट हैंड हमारे पास कैसे आएगा, एक और आपके पास चीज आ जाती है, ट्रांजिशन डिले। यहाँ पे जाके देखिए, मैं अगर लिखूं ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले में क्या होता है कि आप कितनी देर बाद स्टार्ट करना जा रहे हो। मैं कह रही हूँ मेरा जब माउस उसके ऊपर जाए 3 सेकंड के बाद मेरी ट्रांजिशन स्टार्ट हो, ये देखिए अभी नहीं स्टार्ट हुई, 3 सेकंड जैसे कंप्लीट होंगे तब उसकी ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है आपकी ट्रांजिशन डिले कि आप कितने ट्रांजिशन मतलब कितने टाइम के बाद उसको स्टार्ट करना चाहते हो। उसके बाद अब ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड एक और हमारे पास आ जाएगा, ट्रांजिशन। यहाँ पे सबसे पहले ऑल मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसका ड्यूरेशन हमने 5 सेकंड है हमारे पास, उसके बाद उसका फंक्शन आ जाएगा, यही वाला फंक्शन हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उसका डिले, ठीक हो गया। अब इन प्रॉपर्टीज को हम कमेंट आउट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट आउट हो गया ये, ठीक है। सबको सिलेक्ट करके मल्टी लाइन कमेंट, और ये नीचे वाला देखें सिंगल लाइन कमेंट आपके पास, अभी भी ये सेम एज वैसे वर्क करेगी। ठीक है,